अतिथि शिक्षकों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। अधिकांश अतिथि शिक्षकों को काम पर लिया गया, शेष बचे अतिथि शिक्षकों के लिए लिंक ओपन की, तो परमानेंट पदों के लिए भी। तो परमानेंट पदों के लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्राध्यापकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ये बयान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की तरफ से दिया गया है। तो अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, आश्वासन हमेशा मिले लेकिन कदम नहीं उठाया गया और अब इस मामले को लेकर मंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। अधिकांश अतिथि शिक्षकों को काम पर लिया गया, शेष बचे अतिथि शिक्षकों के लिए लिंक ओपन की, परमानेंट पदों के लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्राध्यापकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये मानते हैं सरकार के मंत्री, ये खुद मानते हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान अतिथि शिक्षकों को लेकर आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग लगातार करते रहे हैं, उपचुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा ये रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई थी। अब जो बयान दिया गया है, कितनी राहत इसके बाद अतिथि शिक्षकों को मिल पाएगी? जी हाँ, बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान दिया कि अतिथि शिक्षकों को ओपन की जाएगी और उनसे काम लेकर मध्य प्रदेश के भविष्य को, मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई है, जया स्कूल नहीं खुले थे, कॉलेजेस नहीं खुले थे, तो अब उन्हें भी काम मिलेगा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस काल में जब उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी थे, उनके पास भी कई बार ये जो अतिथि शिक्षक है वो पहुंचे थे, भोपाल के सार्वजनिक पार्क में लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, उनसे मिलने के लिए गए तो उनको एक तरह से आश्वासन दिया था, भरोसा दिया गया था कि जब हमारी सरकार वापस लौटेगी तो हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे। और सरकार बनने के बाद अतिथि शिक्षक पहुंचे भी थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिलने के बाद। मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने जो वादा आपको किया था, हमने वचन जो आपको दिया था, हम उसको पूरा करेंगे। तो आज जब मोहन यादव से कहा गया कि अतिथि शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ही सरकार जब नहीं थी तब आपने उनको आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के बाद हम उनको परमानेंट करेंगे और उन्हें काम दिया जाएगा, तो मोहन यादव ने स्वीकारा कि हमारी सरकार ने, हम जब विपक्ष में थे तब हमने जो वादा किया था उस वादे को हम पूरा करेंगे। लिंक ओपन की गई है, अतिथि शिक्षकों को जल्द ही काम भी मिल जाएगा, उन्हें आंदोलन की राह पर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा आश्वासन और बड़ी राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है अतिथि शिक्षकों के लिए। शुक्रिया आपका वैभव जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।